हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे निटिंग चैनल में। आज मैं आपके लिए ये वाला पैटर्न लेकर के आई हूँ। आप अच्छे से देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनता है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको ज़्यादा डिज़ाइंस बनाने नहीं आते हैं, तो आप इस डिज़ाइन को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको स्वेटर में डाल सकते हैं, फुल स्वेटर में, कार्डिगन में भी और कैप में भी, और किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे, 3 के मल्टीपल में मैंने फंदे ले लिए हैं और 1 से 2 रो मैंने सीधी सिंपल निट कर दी है। तो चलिए अब हम इसकी फर्स्ट रो बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो में सबसे पहले 3 फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे, उसके बाद हम सेकंड कलर अपना लगाएंगे। जो भी कलर कॉम्बिनेशन में आप इसको बनाना चाहते हैं, उस तरह के कॉम्बिनेशन में आप इसको बना सकते हैं। पहला फंदा वाइट, एक फंदा ब्लैक, फिर एक फंदा ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, फिर 3 फंदे वाइट कलर से, फिर एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, फिर 3 फंदे वाइट कलर से, 2 3 तीन फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद एक ब्लैक, एक वाइट और एक ब्लैक इस तरह से, फिर 3 फंदे वाइट कलर से, एक फंदा ब्लैक कलर से, एक फंदा वाइट कलर से, एक फंदा ब्लैक कलर से, लास्ट का एक फंदा हमारा वाइट कलर से। ये होगी है इसकी फर्स्ट रो। आ जाएंगे इसकी हम सेकेंड रो में। सेकेंड रो में पहला जो ब्लैक वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से, ये आप देखेंगे 2 ब्लैक वाले फंदे हैं, इन तीनों को हम 1 2 3 तीन फंदे ब्लैक कलर से, 3 फंदे वाइट कलर से, 3 ब्लैक, 3 वाइट, 3 ब्लैक, इस तरह से हमारी सेकेंड रो बनेगी रॉन्ग साइड से। तो इसको हम पूरा इसी तरह से बना लेंगे, बहुत इजी है। वाइट वाले तीनों फंदे वाइट बनेंगे, जो ब्लैक वाले हैं, एक सेंटर का इसमें वाइट है, तो ये तीनों हमारे ब्लैक कलर से बनेंगे। तो सेकेंड रो को हम रॉन्ग साइड से पूरा कर लेंगे, 3 वाइट, 3 ब्लैक, 3 वाइट करके। आप देखेंगे मैंने सेकेंड रो बैक साइड से कंप्लीट कर दी है, 3 वाइट, 3 ब्लैक करके। अब हम आ जाएंगे इसकी थर्ड रो में। थर्ड रो में 2 फंदे हमारे वाइट कलर से, उसके बाद 2 फंदे आ जाएंगे हमारे ब्लैक कलर से। अब यहाँ पे जो सेंटर का ब्लैक कलर है, इसको हम पिंक कलर से बनाएंगे, फिर 2 फंदे आ जाएंगे फिर से ब्लैक कलर से इस तरह से, फिर एक फंदा आ जाएगा वाइट कलर से। फिर से आप देखेंगे ये 3 फंदे हैं, एक राइट साइड की तरफ इंक्रीज करना है, एक लेफ्ट साइड की तरफ, 2 फंदे आ जाएंगे ब्लैक कलर से, सेंटर वाला ब्लैक आ जाएगा पिंक कलर से, फिर से 2 फंदे आ जाएंगे हमारे ब्लैक कलर से, एक फंदा आ जाएगा वाइट कलर से, 2 ब्लैक कलर से, 1 पिंक कलर से, फिर से 2 ब्लैक कलर से, एक फंदा आ जाएगा वाइट कलर से, 2 ब्लैक कलर से, एक फंदा हमारा सेंटर वाला पिंक कलर से, फिर लास्ट के 2 फंदे आ जाएंगे हमारे ब्लैक कलर से। तो ये हमारी इस डिज़ाइन की थर्ड रो है। फोर्थ रो में आएंगे। फोर्थ रो में रॉन्ग साइड से अब हम पहला फंदा वाइट बनाएंगे। ये आप देखेंगे एक पिंक फंदा, 2 3 जो है राइट और लेफ्ट में ब्लैक वाले फंदे, ये 3 फंदे हमारे ब्लैक कलर से आ जाएंगे, 1 2 3 तीन फंदे ब्लैक कलर से, उसके बाद 3 फंदे आ जाएंगे वाइट कलर से, फिर 3 फंदे ब्लैक कलर से,
जिस तरह से हमारी सेकेंड रो थी उसी तरह से ये हमारी रो बनेगी, दो तीन, तीन वाइट तीन ब्लैक, ये जो है हमारी चौथी रो है इस डिज़ाइन की, तीन वाइट तीन ब्लैक, फिर लास्ट के तीन फंदे हमारे वाइट। तो इस तरह से ये हमारी इसकी चौथी रो हो गई है। अब आ जाएंगे हम इसकी पांचवी रो में। पांचवी रो जो है हमारी किस तरह से बनेगी, फर्स्ट रो की तरह बनेगी। ये आप देखेंगे तीन फंदे वाइट कलर से, जिस तरह से फर्स्ट रो हमारी थी उसी तरह से बनेगी, एक फंदा ब्लैक कलर से, एक फंदा वाइट कलर से, फिर एक फंदा ब्लैक कलर से, तीन फंदे वाइट कलर से, फिर एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक, फिर तीन फंदे वाइट कलर से, एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक कलर से, उसके बाद तीन फंदे वाइट कलर से, फिर एक वाइट एक ब्लैक सॉरी एक ब्लैक एक वाइट फिर एक ब्लैक, फिर लास्ट का फंदा हमारा आ जाएगा वाइट कलर से, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है एक प्लेन रो बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने कंटिन्यू इस डिज़ाइन को किस तरह से करना है। तो एक रो हम प्लेन वाइट कलर से बना लेते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये मैंने एक प्लेन बिल्कुल रो सिंपल बना दी है, इस तरह से ये बनेगा। अब हमने किस तरह से नेक्स्ट हमने बनाना है, कंटिन्यू आप इस डिज़ाइन को इसी तरह से बनाते जाएंगे। एक प्लेन रो बनाने के बाद पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, तीन फंदे सिंपल वाइट बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सेकेंड बार बनाएंगे तो सबसे पहले एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक, तीन फंदे वाइट कलर से, फिर एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक, फिर तीन फंदे आ जाएंगे वाइट कलर से, एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक, फिर तीन फंदे आ जाएंगे वाइट कलर से, उसके बाद एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक, फिर तीन फंदे आ जाएंगे वाइट कलर से, एक फंदा आ जाएगा ब्लैक कलर से, इस तरह से। तो इसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू आपने इसी तरह से आपने इसको रिपीट करना है। उसके बाद ये तीनों फंदे ब्लैक कलर से हो जाएंगे, यहाँ पे ये लास्ट वाला इसी तरह से आपने रहने देना है। उसके बाद कंटिन्यू आपने तीन तीन फंदे यहाँ पे, जो सेंटर में एक ब्लैक है, ये तीन फंदे वाइट, तीनों वाइट वाले फंदे आपने इस बात का ध्यान रखना है, तीनों वाइट वाले फंदे वाइट बनेंगे सेकेंड रो में। तो इस तरह से हमने जिस तरह से ये एक से छः रो हमने बना करके बताया है, सेम आपने यहाँ पर भी एक से छः रो में रिपीट करना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे, फिर आपने जिस तरह से मैंने ये फर्स्ट से बनाया है, तीन सबसे पहले वाइट बनाए, फिर एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक, इस तरह से, फिर तीन वाइट। उसके बाद आपने सेम आपने ये वाला रिपीट करना है, फर्स्ट और सेकेंड जो डिज़ाइन बनेगा, फर्स्ट और सेकंड आपने रिपीट करते हुए जाना है। एक आपने सिंगल रो जो है सीधी सिंपल रो आपने इसमें बनानी है। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे एक बार तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू बनाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ भी आप इसको शेयर करें।
अगर आप और भी सिंपल डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे, बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हैं तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप अपने पैटर्न में, आप अपने जो भी आप नीटिंग प्रोजेक्ट डालते हैं, बनाते हैं, तो उसमें आप इस उस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। और आप अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, इस तरह से आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये जो है हैशटैग की तरह ये पैटर्न आता है। अगर आप इसको हैशटैग की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेंटर में, जहाँ पे मैंने पिंक कलर यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप वाइट कलर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खूबसूरत पैटर्न बहुत ही सिंपल वे में आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू बनाते हुए जाना है।